आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड कंप्यूटर लाइब्रेरी ऑडियो तो देर ना करे आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन दर सुविधा गैलेक्सी अपार्टमेंट वी टर्न योर ड्रीम्स इंटू रियलिटी रेलवे स्टेशन फर्नीचर वर्ल्ड फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल है पायल मल्टी प्लाजा की जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है वो भी सिर्फ इनके लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड नर्स स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है प्लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस नौजवानों से खुसूसन हम ये अपील करते हैं कि खुदारा नाच गाने से बाज आ जाएं और गाजा के बच्चों को याद कर लें जो शहीद किए जा रहे हैं उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठाइए आज ये बातें मुफ्ती सईद असद कासमी ने हमारे नुमाइंदे से कही मुफ्ती सईद असद कासमी ने कहा कि आज ईद उल फित्र का चांद देखने की कोशिश करें चांद की रात को लैलतुल जायजा और ईद के दिन को इनाम का दिन कहा जाता है अल्लाह की मगफिरत का दिन होता है सबसे पहली बात तो हम तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि आज 29 रमज़ानुल मुबारक है और आज चांद होने का इम्कान ज़्यादा रहता है चीफ काजी हज़रत मौलाना काजी अंजार आलम साहब कासमी चीफ काजी इमारत शरिया फुलवारिश पटना ने तमाम और हमारे जितने कुजात हैं बशमूल आसनसोल शहर के सबों ने अपील की है कि तमाम लोग ईद उल फित्र का चांद देखने की आज कोशिश करें और जब चांद दिख जाए तो फौरी तौर पे दारुल क़ज़ा इमारत शरिया आसनसोल को या मरकज़ी दफ्तर को इत्तला करें दूसरी बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर जिस रात को हम लोग चांद रात कहते हैं उसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है इनाम की रात कहा जाता है और दूसरे दिन जिसको ईद उल फित्र का दिन कहा जाता है वो भी इनाम का दिन होता है अल्लाह की मग़फ़रत का ऐलान उस दिन होता है पूरे रमज़ान रात दिन हम लोग रोज़ा रखते हैं और रात को हर आदमी अपने अपने तई अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है गोया के पूरा महीना एक अपने अंदर उम्मत मुस्लिमा में एक तब्दीली होती है और उस तब्दीली को खुद करते हैं मस्जिदें भरी रहती हैं जिक्र अज़कार में मशगूल रहते हैं वो रात जिस रात को लैलतुल जायज़ा कहा जाता है वो रात भी इबादत का है नवाफिल ज़िक्र अज़कार का रहने का है और अल्लाह के सामने रोने गिड़गड़ाने अल्लाह को मनाने का रात है हम लोग ये समझते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के दिन और रातें ख़त्म हुई अब जो रात है वो खेल और तमाशे का है और ईद इसी का नाम है जिसको हम लोग मनाते हैं हालांकि ये सही और दुरुस्त नहीं है बल्कि यहूद नसारा का ये तर्ज़ अमल था कि वो अपने जो उसके खुशी के दिन उसके ईद के जो त्यौहार हुआ करते थे उस मौके पर वो लोग नाचना गाना बजाना और जो उनका ये माहौल होता था वो हुआ करता था आज भी अपने अंदाज से है लेकिन शरीयत इस्लामिया में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ईद की खुशी यह है कि ईद उल फित्र के दिन जब चांद रात में नज़र आ जाए तो उस रात को फिर अकल जो इनाम मिलने वाला है उसके लिए अगर कहीं रमज़ान में कुछ गलती चुक हुई तो अल्लाह को राज़ी करें मनाएं नफल और जिक्र अस्कार में हम मशगूल हो जाएं और सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर अल्लाह ने जो मैसर दिया है आपको बेहतर से बेहतर उमदा जोड़ा कपड़ा आप उसको ज़ेबतन करके पहन करके ईदगाह की तरफ जाएं अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए और दो गाना अदा करें और वहाँ आपको मगफरत का परवाना दिया जाएगा अल्लाह की जानिब से और अल्लाह ताला फरिश्तों में ऐलान करते हैं कि क्या मजदूरी होगी उस मजदूर का जो अपनी मेहनत पूरा कर दे तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह जो है उसको बेहतर बदला मिलना चाहिए पूरा मिलना चाहिए तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जाओ तुम गवाह रहना कि हमने आज उसको बख्श दिया उसको माफ़ कर दिया उसके रोज़े के बदले और फिर अल्लाह ताला मगफरत का ऐलान कर देते हैं ऐसे मौके पर जब एक महीना अल्लाह की रहमत अल्लाह की नेमत अल्लाह के ख़जाने से बरस रहा हो और अल्लाह ताला इनामात लोगों को दे रहे हों तो अब जब वो रात आई है जिस रात को इनाम पाया जाए वो दिन आ रहा है जिस रात दिन को इनाम पाया जाए यानी अल्लाह के राज़ी बंदों से हो रहे हैं उस मौके पर शैतान को जब क़ैद कर दिया गया पूरा रमज़ान रब छोड़ा गया तो आप बजाए उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द का अपनी अलामत अपनी शनाख्त अपनी पहचान देने के आप यहूद नसारा के तर्ज पे हम चले जाएं और हम भी डीजे गाजे बाजे और डांस करें और नाचें और फिल्मी गानों पर थिरकें
ये अपनी पहचान दें। ये इस्लाम का शियार नहीं है, ये उम्मत मोहम्मदिया की पहचान नहीं है, और ये इंसानी अमल नहीं बल्कि ये शैतानी अमल है। इससे परहेज़ करना चाहिए और डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आज अल्लाह की रज़ा हम ढूंढने जा रहे हैं और अल्लाह के गज़ब को दावत दे दें। जिन कमर से हम थिरक रहे हैं और जिन गानों पर उछल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की नाराज़गी और गज़ब का हम शिकार बने और हमारी कमर टेढ़ी हो जाए, हमारी पर्दे समाज ख़त्म हो जाए, यानी अल्लाह ताला किस एतबार से सज़ा दे दें। इसलिए कि ये एक तरह से दीन का और अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ाना है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के समूह रखे, नौजवानों से खुसूसन हम अपील करते हैं और जो है गार्जियन हजरात की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहते हैं और उम्मत मुस्लिमा के ज़िम्मेदार अफराद की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। इंतहाई मोहब्बत के साथ आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि खुदारा नाच गाने से बाज आ जाएँ और अपने गज़ा के उन मुसलमान भाइयों, उन बच्चों और नन्ही जानों को याद कर लें जो जुल्म शहीद किए जा रहे हैं। उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठाइए और जो कुछ हो सकता है उन तक आपको जिस तरह से आप उन तक राहत पहुंचाने का काम कर सकते हैं करें। खुदा रहा कम अज़ कम उन बच्चों के इस गम में खुशी को इस तरह मना लें कि सादा रहें, शरीयत पर भी अमल हो जाए और किसी के दर्द में शामिल भी हो जाए। बस यही अपील है हमारी। मेरा नाम मोहम्मद सईद असद कासमी, मेरा ताल्लुक दारुल क़ज़ा इमारत शरिया आसनसोल से। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500, यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करे, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। खास ईद के मौके पे पायल मल्टीप्लाजा का पायल वन सेंटर और पायल फ्रेश सुपरमार्ट अब खुला रहेगा रात 12 बजे तक अगले एक हफ्ते। सभी कुछ अवेलेबल है एक्सेसिव डिस्काउंट्स के साथ, अप टू 65% डिस्काउंट ऑन MRP। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर पाए 35% तक की छूट, बाय वन गेट वन ऑफर। तो जल्दी करें, आज ही आए पायल मल्टीप्लाजा। यार एक बात पूछू? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सगवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूढ़ा पाइपलाइन रोड, कालाझरिया, बर्नपुर। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस,
with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़ आसनसोल 713304. कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265 9609002666295280255. अगर आप हैं परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड. कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं. हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन. हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर. आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2BHK या फिर 3BHK की कर रहे हैं खोज, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस. प्रश्न ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा. गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इंटू रियलिटी. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफ़ी करीब, तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें. हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्टी नगर, स्माइल, आसनसोल. ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें. क्या आप हैं एडवेंचरस, तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज. वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस. इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है. फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं. मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए. एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल. अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा. जी हां, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ. आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ. आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा, तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान. हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल. বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাজির যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন নিজের কাজকর্মের উপর, সেটা নিয়ে আমি কিছু আলোকপাত করেছিলাম. তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি দেখলাম তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের এক পদাধিকারী, আসানসোলের নেতা, যে প্রশ্নগুলো আমি করেছিলাম সেটার উত্তর তিনি দিলেন না, বরঞ্চ আপনাদের উপরই বললেন যে আপনারা খবর করতে পারছেন না, এইরকম সব খবর করছেন. যে কথাগুলো আমার ছিল, যে প্রশ্নগুলো আমি রেখেছিলাম তাদের কাছে, সেটার সঠিক উত্তর না দিয়ে উনি মিডিয়ার সামনে বলছিলেন আর কি, যে আমি কে, আমি এই প্রশ্নগুলো করবার কে, আমার স্ট্রাকচার, আমি শত্রুঘ্ন সিনহার মতন মানুষ, এত বড় ব্যক্তিত্ব, তাকে আমি কিছু বলতে পারি কি পারি না, এরকম নিয়ে প্রশ্ন কিছু করছিলেন এবং কিছু ব্যক্তিগত আক্রমণ করলেন আর কি. আমি চাইবো আপনাদের সামনে এটাই বলবার যে আমি যে কথাগুলো বলেছি সেগুলোর সঠিক ওনারা উত্তরটা দিন, আসানসোলের জনগণ সেটা শুনতে চাইছেন. আমি কে সেটা তো আমি পরবর্তীকালে বলবো, আমি আজকেই বলবো. এই বিষয়ে আপনাদেরকে আমি আজকে একটু অবগত করবার জন্য বলেছি. দেখুন, আমি মনে করি যে শত্রুঘ্ন সিনহা একজন খুব বড় মাপের ব্যক্তিত্ব, খুব বড় মানুষ,
এবং আসানসোলের মানুষের ভোটে জিতে উনি আসানসোলের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। ওনার জায়গায় আমি খুবই তুচ্ছ ক্ষুদ্র নগণ্য ব্যক্তিত্ব। ঠিক কথা, নিশ্চয়ই ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমার এটা বক্তব্য যে উনি আসানসোলে ভোটে দাঁড়িয়েছেন এবং আসানসোলের মানুষের ভোটে জিতে ওখানে প্রতিনিধিত্ব করতে গেছিলেন এবং সেইখানে উনি, আমি যে কথাগুলো বলেছি সেগুলো আসানসোলের মানুষের কোনো অভাব অভিযোগের কথা উনি বলেননি। আমি সারা আসানসোলের মানুষের হয়ে প্রশ্নগুলো করেছিলাম যে দুবছর থাকাকালীন, দুবছর সাংসদ হওয়ার পর যে মানুষের স্থায়ী ঠিকানা নেই, যে সাংসদের স্থায়ী ঠিকানা আসানসোলে নেই, স্থায়ী অফিস নেই, এই গেস্ট হাউস হোটেলে থাকেন, আর আমরা যদি প্রশ্ন করি আসানসোলের মানুষেরও এই প্রশ্ন করলে অভিযোগ করছেন, আমি কে প্রশ্ন করবার? আমি অবশ্যই আসানসোলের মানুষ, আসানসোলের নাগরিকদের হয়ে প্রশ্নটা করছি, কেন আসানসোলের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে উনি এখান থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, তার জন্য ওনার উচিত এখানের আসানসোলের সুবিধা সুযোগ কী কী অসুবিধা রয়েছে সেগুলো সমস্ত কিছু ওখানে তুলে ধরা, যেটা উনি করেননি। আর বাকি রইল উনি যে বলছিলেন কথা যে আমি কলকাতায় থাকি, আমি নাকি এখানে থাকি না, কলকাতায় থাকি। উনি জানেন না হয়তো আমি একটা সর্বভারতীয় দলের প্রদেশের আমি কার্যকর্তা এবং সাংগঠনিক কাজে প্রদেশের যে যে কার্যকর্ম থাকে, যে যে যেখানে যেখানে আমাকে দায়িত্বে পাঠানো হয় আমি সেখানে যাই, এবং আপনারা জানেন, আপনাদের মাধ্যমে সবাই আসানসোলের সাদা মানুষজন জানে আমি কোথায় কোথায় সারা রাজ্যে কাজ করি, এবং এই কাজ করার ফাঁকে প্রত্যেক সপ্তাহে দুদিন তিন দিন সময় পেলে আমি আমার আসানসোলে ফিরে আসি, কেন এখানের মানুষের কাছে আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে। আসানসোলের মানুষ, এখানে আমি বড় হয়েছি, এখানে আমার স্কুলিং, এখানে আমার জন্ম, এখানের মানুষদের কাছে আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে, এবং তার জন্য আমাকে বারবার, আমি আমার কাজের দায়িত্ব থাকলেও আমি কিন্তু আমার কাজের ফাঁকে আমি সময় পেলেই আমি ফিরে আসি আমার জায়গায়। হ্যাঁ, ওই রকম না, ওই রকম রাজ্য পদাধিকারী আমি না, গলির থেকে বেরোই আর একটা অফিসে বসি, আবার ওই সেখান থেকে বেরিয়ে আবার ওই গলির ঘরে ঢুকে পড়ি, আমাকে সারা রাজ্য জুড়ে কাজ করতে হয়, তার জন্য আমাকে কলকাতায় একটু বেশি সময় দিতে হয়। উনি বলছিলেন, আমি শুনছিলাম যে এখানে থাকি না নাকি কলকাতায় থাকি। অ্যাকচুয়ালি সংগঠন আমাদের করতে হয়, তো সংগঠন করতে হয়, ওনাদের তো সংগঠন করতে হয় না, ওনাদের তো তোলা তুলে বেড়ায় সমস্ত জায়গায়, কোথায় কাটমানি আছে কোথায় কী আছে এগুলো করে, এই তো সংগঠন করার ফুরসত নেই, আমাদেরকে কাজটা করতে হয়, আমরা বিরোধী দল করি, অনেক কষ্ট করে আমাদেরকে লড়াই করতে হয়, এর জন্য সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াতে হয়, এরকম বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিস, অফিস থেকে বাড়ি, এইটুকু করি, এইরকম ব্যাপার করি না। আরেকটি জিনিস যে আসানসোল নগর নিগম কে তত্ত্বাবধান মে মিশন নির্মল বাংলা কো সফল বনায়ে হামারি প্রতিজ্ঞা হামারা ঘর এক বাত সভি ইয়াদ রাখে কচরা জহাঁ তহাঁ না ফেঁকে কৌন সা কচরা কহাঁ ডালনা হ্যায় আচ্ছি তরহ সে সমঝনা হ্যায় স্বয়ং জাগরুক হো ঔরোঁ কো ভি জাগরুক করে রিডিউস রিইউজ অর রিসাইকেল প্রক্রিয়া কো আপনায়েঙ্গে সুন্দর স্বস্থ আসানসোল বনায়েঙ্গে আসানসোল নগর নিগম কে গ্রিন অর ব্লু বিন কা সহি ইস্তেমাল করে প্লাস্টিক কা ব্যবহার না করে অর লোগো কো ভি জাগরুক করে সুন্দর পরিবেশ গড়ে স্বস্থ রহে আসানসোল নগর নিগম সদৈব আপকি সেবা মে উপস্থিত হ্যায় ক্লিন আসানসোল গ্রিন আসানসোল।